जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। इस वक्त मौजूद है हम पता ही हवाई अड्डा पे। हाँ, वही पता ही हवाई अड्डा जिस पे 2020 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और चुनावी वादों के दौरान करके गए थे कि पता ही हवाई अड्डा बनकर चालू होगा और यहीं से गरीब परिवार भी, हवाई चप्पल वाले भी उड़ेंगे। तो उसी पता ही हवाई अड्डा पर आज हम खड़े हैं, जो कि 2023 में अमित शाह जी आए और यही जो देख सकते हैं आप, इसी पे अमित शाह जी लैंडिंग किए और इसके चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है। उस घेरा के अंदर कोई दूसरा नहीं आए और उनके सुरक्षा के पुख्ता ख्याल रखा गया था और उसके बाद यही पता ही हवाई अड्डा पर आए और इधर से ही चले गए और यहीं से लैंडिंग किए और यहीं से भी फ्लाइट भरे उड़कर और चले गए। नहीं, हवाई चप्पल वाले खेल रहे थे और इस पे बच्चे सब साइकिल चला रहे थे और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे थे, बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या बुआ, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कहाँ घर है? ओहो, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? साइकिल चलाने आए थे। साइकिल चला रहे हैं, तो यह तो प्लेन उड़ने वाला जगह है, इस पे साइकिल चला रहे हैं? ऐसे ही घूमने उमने आते हैं। घूमने उमने आते हैं। यहाँ चालू नहीं हुआ है? नहीं, चालू नहीं हुआ। चालू रहता तो आप लोग यहाँ नहीं आते? नहीं। तो यहाँ क्या, यहाँ चालू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। यहाँ के नेताओं लोग इस तरह का संलिप्त है, पता नहीं मांग करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे उन लोगों को भी जोर आवाज उठाना चाहिए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भैंसिया चल रही है और उस भैंसिया यही पता ही हवाई अड्डा पर भैंसिया चल रही है, लेकिन बना होता तो इस पे ना भैंसिया चढ़ता और लोग आते और सेल्फी लेते एरोप्लेन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही पता ही हवाई अड्डा चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।